सारे किसान आ गया, लखनऊ आ गए, लखनऊ धन्यवाद सब लोग। अब टिकेट साहब आपको संबोधित करेंगे, आप आपको इंतजार था किसानों के मुखिया, किसानों के विश्व के नेता चौधरी राकेश टिकैत आपको संबोधित करेंगे। आप कैसे हैं भैया? अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ अरे आप सब बैठिए, मीडिया को स्पेस दीजिए, आप बैठिए। अजय तुम लोग बैठ जाओ, बैठो दिल्ली तक के प्रेस के लोग दिल्ली से भी आए हैं, बैठ पाए जैसे धक्के बकवा हो, इनका बड़ा योगदान है। बात सुन लो, ये ऊपर जगह ऊपर है नरेंद्र, ये भी काम पूरा करे। अरे मना करो भाई, बैठ जाओ। अरे ठीक है बहन, क्या अरे रामलीला हो गया यहाँ से। अरे ठीक है आप, कोई बात नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों नौजवान साथियों, सभी जगह से जो पदाधिकारी आए, समस्त संयुक्त मोर्चे के लोग बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में आए, हरियाणा पंजाब से बस लेकर लोग आए, उत्तर प्रदेश से बहुत जिलों से लोग यहां आए, और भिन्न भिन्न संगठनों के लोग इस आंदोलन की यह खूबसूरती रही है कि इसने कभी किसी के झंडे से ऐतराज नहीं करा कि कोई कैसे झंडा लगाओ। ये जो रंग बिरंगे झंडे आपको दिखते हैं, एक साल में जो आपस का जो गठबंधन बना है, ये जो खूबसूरत गठबंधन बना है कि कोई कितने भी झंडा लगा लो, कोई किसी का भी झंडा पकड़ लगता है, क्योंकि सबके मुद्दे एक हैं। पहले हम दिल्ली में आंदोलन करते थे तो अलग अलग संगठन पर करते थे, अलग अलग बैनर पर करते थे, लेकिन जो आपके जो मसले हुए, जो भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला, उसमें सब लोग एकजुटता से दिखाई। एक साल लगा हमको अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वाले लोग थे, उनकी भाषा दूसरी थी। उस भाषा का प्रोसेस करने में, उनको समझाने में जो कुछ लोग थे, जो आते थे बातचीत करने, हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो एक कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी
भाषा जो सर्वे करे तो उनकी जो समझ है वो एक साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। विकानों उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की लेकिन कटाक्ष के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गज देता है, भागता जाता है कि आइए देखूंगा आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक नहीं कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे, इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से, इन किसानों का भला होगा, इन मजदूर का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। आप देश में एमएसपी की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमने कमेटी बनाई, ये झूठ बोलते हैं देश के सामने। 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे, कई मुख्यमंत्री की वो कमेटी थी, और भारत सरकार ने मुख्यमंत्री को कहा था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। दोनों अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने, वो रिपोर्ट पीएमओ में रखी हुई है आज भी। हमको वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है और ना देश के पास में इतना टाइम है। आप सपा जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो, देश के सामने सपा जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश के उसमें सपा जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फॉर्मूला है वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी बनना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, इन्हें देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा, जो सीटों पर स्फीति वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा, उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है। हमने कहा कि हम अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे, मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था, आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो, आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। अब देश की जनता जाग चुकी है, आपको जवाब देना होगा, और ये देश के लोग भी समझ ले, ये जो नौजवान है ये भी समझ ले। यहां पे बहुत से आंदोलनकारी लोग आए, बहुत से हमारे नौजवान साथी आए, यहां पर बैठे हुए हैं जो टीचर जो धरने में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भर्ती में धांधली करी गई, धांधली तो होगी, अब ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे धांधली होगी, पूरे देश को प्राइवेट देंगे, प्राइवेट कंपनी का हाथ देंगे, ये धांधली होगी। अभी जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके जो ड्राइवर थे वे आए कि हमको हटा दिया गया,
उनने अगर मानदेय की बात करी तो उनको हटा दिया गया, पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, जिंदाबाद की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया, हमारे मसले बहुत है अभी। गांव की जमीनें बेची जा रही है, जो भी गांव समाज की जमीनें है, भारत सरकार प्रस्ताव लेकर आगे कि ये जमीनें कंपनी आरएसएस के लोग बनाएंगे, उनको 99 साल की पट्टे पर जमीन दी जाएगी, मंडी बेची जाएगी। आपको कहते हैं कि मंडी के बाहर आप अपना अनाज बेच लो, इसका मतलब जब मंडी कमजोर हो जाएगी तो कहेंगे कि मंडी कमजोर होगी, इसकी आमदनी कम है। उन मंडी की जमीन को बेचा जा रहा है, आपको उलझाएंगे हिंदू मुसलमान में, आपको उलझाएंगे सिख हिंदू में, आपको उलझाएंगे दूसरे मामलों में, आपको उलझाएंगे जिन्ना में, आप तो उसमें लग रहे हैं। ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिन्ना में उलझाने का काम करेंगे, और ये देश बेचने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी अपने स्कूल का नाम बता दो कि आपको भी कौन से स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। सारे प्रेस तो पीछे कर लो, जब तो हमारे बीच में आते नहीं, और जब भी हमारे बीच में आते हैं तो क्वेश्चन एक रहता है, आपका ड्रेस कोड क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपको कौन से स्कूल में ट्रेनिंग लेकर भेजा जाता है। एक छोटे से बड़ा प्रेस के लोग एक क्वेश्चन सारा कुछ नहीं करते। आज भी पिछले 3 दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले ली, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा। आंदोलन के चलते हुए एक बार पूछा, हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा। हमारे मसले तो भाई साहब पीटीआई पीछे हुई, दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 22 रुपया लीटर दूध हम गांव में बेचेंगे, बड़ी कंपनियां उनके बेचेंगे। उसी के साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें है कि किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, 2 रुपया कनेक्शन मिलता है। दूध की पॉलिसी का और पशु को कैसे मारा जाएगा, दोनों का कनेक्शन एक है। ये खेती छीनने का प्लान है, इसका आप लोग ध्यान रखना। हमारे मसले 3 नहीं है, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार को बातचीत कर ले, सोना मांगती बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे, पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंग करेंगे। आपकी कारगुजारी है वो बताएंगे हम, वो बताएंगे हम। आप नहीं मान लो कि आपके खिलाफ मूवमेंट चलेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन चलेंगे। यही हाल पुलिस वालों का हुआ, पुलिस मैं 33,000 रुपये में आप नौकरी करवाओगे 24 घंटे की, उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, एक टीचर के बराबर उनकी सैलरी होनी चाहिए। ये भी हमारे इश्यू है, हमारे बहुत से मामले हैं। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है, किसान करता है, मरने से नहीं डरता है। पूरे देश भर में मीटिंग हमारी चलती रहेगी। अजय टेनी की गिरफ्तारी ये प्रमुख मुद्दा हमारा है,
और ये ध्यान से सुन लेना, वहां का प्रशासन ध्यान से सुन लेना। अगर अजय तेली ने वहां पे मिल का उद्घाटन किया तो उस मिल में गन्ना नहीं जाएगा, मिल का गन्ना जाएगा डीएम के ऑफिस में। मिल का गन्ना हमको कितना भी नुकसान झेलना पड़े, जो किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में है वो मिल का गन्ना डीएम के ऑफिस में जाएगा और डीएम के ऑफिस से गन्ना मिल में जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। और हम 7 तारीख के बाद में 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहेंगे, उन शहीद परिवार से मिलेंगे, जो किसान हमारे जेल में गए उनसे मिलेंगे। ये हमारे 3 दिन के प्रोग्राम हम वहां पर रखेंगे। तो आप जाके प्रशासन कह दो, विरोध नहीं करना, सिर्फ प्रशासन को कह दो ये टेनी आएगा तो गन्ना डीएम के ऑफिस में लेके जाएंगे। संघर्ष छोड़े दो आप लोग क्यों होगा, भले उसको हीरो बनाना चाहते हो, कातिल से उसको हीरो बनाना चाहते हो, वो हीरो बनेगा, आगरा की जेल में बनवाएंगे उसको हीरो। आतंकवादी आगरे की जेल में आ सकते हैं तो किसानों का हत्यारा वो भी आतंकवादी है, वो भी आगरे की जेल में जाएगा। हमारे मसले बहुत है, सरकार हमसे बातचीत कर ले, बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, बहुत मीठी बात करी, सेहत से भी मिट्टी आवाज की, हमको खतरा लगता है देश का प्रधानमंत्री इतनी मिट्टी बात करे, हमको शक होता है। कमजोर नहीं, हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। कमजोर नहीं चाहते हम, अरे ये दुनिया में एक है कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना, आप सख्त होकर बात करो लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। मसलों का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा। हमारे बोर्ड रूप आंदोलन है, जो संयुक्त मोर्चे ने तय किया है 29 तारीख तक के जो भी प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम बादस्तूर हमारे जारी रहेंगे। जो ट्रैक्टर का प्रोग्राम है 26 तारीख को वहां पे 1 साल हो जाएगा, उससे प्रोग्राम है 29 तारीख से 1,000 लोग 60 ट्रैक्टरों में वहां से जाएंगे, वो हमारे मजबूत है। आप पीछे होइए। और हाउस के अंदर ये 29 तारीख से 2 या 3 तारीख तक ये कानून वापसी हो जाएंगे, एक जनता के बीच में अफवाह फैलाई जाएगी। ये कानून वापसी नहीं है, किसान घर वापसी नहीं जा रहे। जो 20 कानून होल लेकर आ रहे हैं उसमें बातचीत कर लो। ये जब संयुक्त मोर्चे की भारत सरकार की बातचीत होती थी उसमें तय हुआ था कि जब कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा, ये धरना समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो और मामलों पे कमेटी बातचीत करती रहेगी। आज भी ये बातचीत थी जनवरी की, दिसंबर की, लेकिन उसके बाद में 750 किसान शहीद हुए, उसका हजाना कौन देगा। जो मुकदमों का पर्चा है वो लेकर हम गांव नहीं जाना चाहते। हम इस आंदोलन का हिसाब किताब दिल्ली में ही निपटा के जाना चाहते हैं। जब हम गांव में जाए, जय जवान, हम गांव में जाए तो कागज पत्र हमारे हाथ में हो तो हम देश को बता सकते हैं कि हमने ये वहां पर खोया नहीं पाया, ये हम ले पाए। तो सरकार और एलआईयू के लोग यहां पे हैं, भारत सरकार को आज भी बता दो कि उपाचित के माध्यम से संयुक्त मोर्चे से